दर्शक मित्र, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ दर्शन सोनी और अभी आप देख रहे हो DarSnake। और अभी एक जगह हम आए साफ को होने के लिए। दूसरी तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। मैंने सभी वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके घर के आसपास या फिर आपके फैक्ट्री के आसपास ऐसा कोई कूड़ा हो जो आप किसी काम का ना हो तो उसको आप बेच दें या फिर उसको यहाँ से हटा दें, ताकि यहाँ पर आने वाले वेजिटेरियंस आपको परेशान ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु और मेंटल वगैरह रहते हैं, उसको खाने के लिए साँप आते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप हटा दोगे तो मेरे आप उससे मुक्त हो जाओगे और आपके घर के आसपास वेजिटेरियन नहीं आएंगे। तो मेरी आपसे सलाह है कि यदि आपके घर के पास कुछ कूड़ादान पड़ा है या फिर कुछ कचरा पड़ा है जो किसी काम का नहीं है, तब इसको इस तरह से हटा दे ताकि वहाँ पर कुछ पेडिटर्स ना आए और वहाँ पर उसको खाने के लिए साफ भी ना आए। चलो फिर, अभी तो उन्होंने इसके अंदर इसको बंद करके रखा है, एक लोहे का पाइप है इसके अंदर, दोनों तरह से उन्होंने बंद कर दिया है। आप वैसे कुछ कर सकते हो, 4 इंच का पीवीसी पाइप आता है और बहुत ही बड़ा पाइप लेना है, शायद 10 फीट के आसपास, और एक छोर से इसको बंद कर देना है और कहीं पर साँप दिखाई दे तो उसका आगे का छोर उसको खुला रखना है और वहाँ से उसको अंदर आ जाएगा वो, और फिर आप उसको छोर बंद कर देगा। इस तरह से भी आप पकड़ सकते हो। तो ये भी उन्होंने अच्छा किया है ताकि यहाँ से कोई भाग कहीं भाग ना जाए और अच्छे से इसको कर सकते हैं रेस्क्यू। तो निकालते अभी यार इसके अंदर, ये खोल ही ना वो, तो खोलो तो खोल ही ना वो। और एक ही कोबरा साँप ही है, ऐसे तो ज़्यादातर ऐसी जगह पे कोबरा ही आता है। चलो अच्छे से कर ले इसको रेस्क्यू, छोड़ देंगे इसकी नेचर जगह पर। और फिर से एक बार यदि आपके घर के पास आपके फैक्ट्री के आसपास ऐसा कोई कूड़ा हो तो फिर इसको हटा दे ताकि आपके वर्कर को भी कोई चिंता ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो भी मिलते रिलीज टाइम पर, आओ जो बैक माय फ्रेंड्स, आ गए हम इसको तुरंत ही रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि अभी मानसून का वक्त है तो ज़्यादा धूप नहीं होती है। अभी बहुत ही खुशनुमा देखो अपना एटमोसफियर है। तो आपने जैसे कि देखा कि यदि आपके फैक्ट्री में ऐसा कोई कुछ भी कूड़ा पड़ा है आपके आसपास कहीं पर भी कोने में, तो उसको जल्दी से जल्दी हटवा ले, क्योंकि आपके ही वहाँ पर वर्कर काम कर रहे होंगे। यदि आपको भी यहाँ पर टहलने के लिए निकलना होगा तो फिर आपको कुछ दिक्कत हो सकती है उसमें। तो मेरी आपसे विनती है कि ऐसा कुछ हो तो आप वहाँ से तुरंत हटा दें, क्योंकि उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसके अंदर जो छोटे मोटे कीटक वगैरह पनपते हैं और जो मेंढक वहाँ पर रहते हैं तो उसको खाने के लिए ये सांप आते हैं, तो उसके लिए बच जाओगे। और हाँ, इसका नाम बता दूँ, ये कोबरा स्नेक है, इसका साइंटिफिक नेम है नाजा। और यहाँ पर हमको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको पूछते हैं, देखो जरा, इसका नाम है सांप। और ये जहरीला स्नेक होता है जो इंसान की नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक सांप है जो गुजरात में और हर जगह पर पाई जाने वाला एक बहुत ही आम सांप है, क्योंकि ज़्यादा रफ एंड टफ होता है तो बहुत ही सर्वाइव कर लेता है कोई भी जगह पर। तो मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसा कुछ हो अपने फैक्ट्री में या फिर अपने घर के आसपास तो उसको तुरंत हटा दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। चल भी करते इसको रिलीज। ओके, देखो वो जा रहा है। ओके, इसको छोड़ दे इसकी नेचर जगह पर ताकि ये नई जिंदगी शुरू कर सके वहाँ से दूर। आप भी थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क रहिए, मानसून का वक्त है तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरी आपसे विनती है कि यदि आपके घर के पास ऐसा कुछ हो तो उसको हटा ले, और यदि आपको ऐसे कुछ देख लो तो आपको घर पर ट्राई नहीं करना है, नज़दीक के वन विभाग या फिर रेस्क्यू टीम को बुलाकर उसको उसके पास ही करवाना है रेस्क्यू। चले फिर, आज DarSnake में इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे DarSnake के साथ। जय गौरी गुजरात, वंदे मातरम, आओ जो।